सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें जिले के 9 विकास खंडों के 1089 दिव्यांग लाभार्थियों को सांसद राजेश वर्मा द्वारा उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए दिव्यांगों की सहायता को पुनीत कार्य बताया, इसका उपहास न करने की नसीहत दी। मंत्रालय के द्वारा एडीपी योजना के तहत आज लगभग 1100 लोगों को तमाम कृत्रिम अंग, ट्राई साइकिल, मोटराई साइकिल वितरित करने का काम हम लोगों ने किया है। हमारे साथ हमारे संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सब लोग आए हुए हैं और ये वितरण होकर के अब हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं कि ये लोग अपने अपने घरों को जाएँ। बहुत आज एक गर्व की अनुभूत हो रही है कि सुशील प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से दिव्यांग जन जो सशक्तिकरण का हम लोग एक नारा लेके चल रहे हैं, उनको हम लोग सशक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग रह जाएंगे उनको हम फिर से देने का काम कर रहे हैं। सर, धनंजय सिंह इस बार सीतापुर लोकसभा सीट से संभावित माने जा रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? कोई सिंह आए, कोई धनंजय आए, उसे कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 365 दिन संगठन का काम करते हैं। कोई कार्यकर्ता हमारा 365 दिन आराम नहीं करता। कोई सिंह आए से क्या लेना देना है, हम तो तैयार हैं, खड़े हैं मैदान में। अभी तो कोई मैदान में नहीं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ कोई सिंह आने वाले हैं।